अक्सर लोग NFOs और ITOs में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक NFOs के बारे में है। हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज एन NFO, टाइप्स ऑफ NFOs, NFOs में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए भूमि रांका और एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको NFO के बारे में अच्छा खासा नॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन NFOs में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या बातें चेक करनी होती है ये समझना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। NFO stands for New Fund Offer. अब जैसे stocks के लिए IPOs होता है, वैसे ही mutual funds के लिए NFOs होते हैं। जब भी कोई AMC एक नया fund launch करके market में लाती है, तो public को उसमें पहले ही invest करने का option दिया जाता है, और इसी process को हम NFO कहते हैं। Indian rules के मुताबिक ये 3 से 15 दिन के लिए open होते हैं, और इसमें issue price normally 10 rupees का होता है। लेकिन जब NFO close हो जाता है friends, उसके बाद इन्वेस्टर्स NAV के बेसिस पर ही इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं या यूनिट्स परचेज कर पाते हैं। NFO का मतलब डिटेल में समझने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है। तो आप ही सोचिए कि किसी AMC को NFO लाने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। AMC का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो NFO एप्लीकेंट से सफिशियंट इनिशियल कैपिटल रेज कर ले, और इससे क्या होगा, इससे AMC का फंड मैनेजर एक आइडियल पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएगा बेस्ड ऑन द फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। वेल, NFOs दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स यूजुअली फिक्स्ड कॉर्पस से एसोसिएटेड होते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाद फर्दर एडिशन टू द पोर्टफोलियो अलाउ नहीं होता, और फंड की एनएवी डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन सर्कुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। अब दूसरी ओर होते हैं ओपन एंडेड फंड्स, जहां नंबर ऑफ यूनिट्स की फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन डिमांड। मतलब an open-ended NFO does not resist the number of shares that can be issued when the NFO is live. अगर हम NFOs में कुछ invest करने के benefits की बात करें, तो first is greater flexibility. NFOs और especially closed-ended funds fund manager को एक flexibility देते हैं market में invest करने की। मतलब अगर NFO market peak के time launch किया है suppose, तो the fund manager can hold a part of your funds to invest them at a later date. Second is new asset classes. NFO में invest करने से पहले investors can choose a fund जिससे उनको नए asset class या stock market index में exposure मिल सके। ऐसे investments आपको portfolio diversification offer करते हैं along with added exposure to realize better returns. Third is lock-in support. Market पे अच्छे returns के लिए investors को sufficient time के लिए invested रहना पड़ता है, जहां majority investors 2 साल में ही बैकआउट कर जाते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स इन्हें 3 से 4 साल का लॉक इन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा इन्वेस्टिंग बिहेवियर जो है वो भी इम्प्रूव होता है। एज एन इन्वेस्टर, आई एम श्योर आपके माइंड में अभी भी काफी क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा NFO हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के लिए परफेक्ट है, या जिस फंड में हम पैसा डाल रहे हैं उसका क्या टेन्योर है या क्या स्ट्रेटजीज है फंड मैनेजर की, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी फी स्ट्रक्चर क्या होगा। वेल, देयर आर अ फ्यू थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन NFOs. First and foremost is the AMC's reputation. आपका पैसा safe hands में है, ये totally depend करता है AMC के reputation पर। आप इनके previously issued funds के financial performance को market में available data से check कर सकते हैं। Also, सारे fund managers के background को analyze करना भी जरूरी है। Second is funds objective. सारे scheme related documents को examine करना crucial है to understand how the fund is invested and how the investment process actually works. Mandates listing जैसे documents को check करने से आपको risk का पता लग सकता है, as well as expected return on investment. Third is cost of investment. NFO एक minimum subscription offer के साथ आता है, जहां stipulated number of units have to be bought to participate in the offering. इसलिए आपके कितने amount का outflow होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। आखिर में investors should compare the potential returns of various similar funds that are currently trading in the market, जिससे आपको returns potential की एक effective understanding मिलती है।
In reality, friends, an NFO effectively reduces the cost of investing in mutual funds. मतलब अगर investors अपना homework सही से करते हैं और सारे factors को properly assess करते हैं तो आपको NFO से अच्छा benefit मिल सकता है. But as already said before, product related terms and conditions को अच्छे से पढ़े before shelling out any sum of money. Friends, I hope आपको आज का video useful लगा हो. ऐसे ही कई और interesting stock market related terms को जानने के लिए do like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.